ये लड़ाई लंबी है और इतनी लंबी है कि इसके लिए संघर्ष लगातार चलता रहेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं वो बातें, जर्मनी ऐसा देश है जो हमसे बहुत संपन्न है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पर कैपिटा इनकम से, और दुनिया का बहुत ताकतवर देश है। वहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो जर्मनी जैसा देश, अमेरिका, जापान, यूरोप में बहुत से देश, दुनिया के बहुत संपन्न देश ईवीएम की तरफ नहीं देख रहे हैं। वो वही पुराने तरीके से बैलेट से वोट डालते हैं। तो ये लड़ाई लंबी है, लगातार चलती रहेगी। और हम लोगों ने तय किया है ईवीएम से हरा करके ईवीएम हटा देंगे। ये लड़ाई लंबी है और इतनी लंबी है कि इसके लिए संघर्ष लगातार चलता रहेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं वो बातें, जर्मनी ऐसा देश है जो हमसे बहुत संपन्न है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पर कैपिटा इनकम से, और दुनिया का बहुत ताकतवर देश है। वहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो जर्मनी जैसा देश, अमेरिका, जापान, यूरोप में बहुत से देश, दुनिया के बहुत संपन्न देश ईवीएम की तरफ नहीं देख रहे हैं। वो वही पुराने तरीके से बैलेट से वोट डालते हैं। तो ये लड़ाई लंबी है, लगातार चलती रहेगी। और हम लोगों ने तय किया है ईवीएम से हरा करके ईवीएम हटा देंगे।